दाऊद और चौटानी की झुंझलाहट इसलिए थी क्योंकि तीर निशाने पर लगा था। दाऊद कराची से ही बात कर रहा था, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। और दाऊद के ठिकाने के बारे में इशारों में कई बार बात हुई, लेकिन इस दौरान सबसे अहम बात दाऊद की सेहत को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से आ रही खबरों के मुताबिक दाऊद की सेहत नासाज है। गैंग्रीन और हार्ट अटैक की वजह से वो अपना काला कारोबार खुद संभालने की हालत में नहीं, लेकिन असलियत ये नहीं, क्योंकि फोन पर तबीयत के सवाल का जवाब खुद दाऊद ने दिया, और इस बार दाऊद के साथ चौटानी नहीं बल्कि उसका कोई और गुर्गा था। सर मनोज ये बोलो कैसे है? बढ़िया था, आप सुनाओ, अल्लाह का करम है, आप सुनाओ। सर बढ़िया है, और सर तबीयत ठीक है? अलहमदुल्ला। सर ये बीच में जो रूमर उड़ रहा था आपके हार्ट अटैक हो गया और ये सब जो है बीच में जो चलता रहता है कि गैंग्रीन हो गया, दाऊद के मुताबिक उसकी सेहत दुरुस्त है और डी कंपनी का सारा कारोबार वो खुद ही संभाल रहा है। भारत की जांच एजेंसियां दाऊद इब्राहिम के फोन टैपिंग में पिछले कई साल से लगी हुई हैं, और न्यूज 18 इंडिया ने दाऊद की आवाज आपको सुनाने से पहले बाकायदा इस आवाज की पड़ताल उन्हीं एजेंसियों से करवाई, और जांच एजेंसियों ने यह दावा किया है कि जिस शख्स की न्यूज 18 इंडिया के मनोज गुप्ता से बात हुई वो दाऊद इब्राहिम ही है। वही दाऊद इब्राहिम जिसकी तलाश भारत को 27 साल से, और 27 साल में पहली बार कोई चैनल देश को सीधा दाऊद की आवाज सुना रहा है। मनोज गुप्ता से हुई बातचीत में एक और हिस्सा ऐसा था जिसमें साफ था कि दाऊद कराची में। करा दो सर बात, भाई की करा दो एक बार बात। हाँ नंबर दो अपना, मैं करा देता हूँ। हाँ नंबर लिखो सर, लिखवा 9 8 9 8 9 8 4 4 4 4 स्टूडियो और डायरेक्ट वहीं पे इंटरव्यू में लेंगे क्या? हम फोन पे ले लेंगे सर इंटरव्यू। अरे हम फोन पे थोड़ी ना लेते, फोन पे क्या मालूम आप किसका इंटरव्यू ले रहे हो किसका नहीं ले रहे हो। कैमरा भेज देता हूँ सर आपके पास कराची में। है कराची में जब आपको सब पता है तो फिर आप क्यों मुझे क्यों बोल रहे हो मिलवाने की और बात करवाने की? केवल कराची शहर में दाऊद इब्राहिम के ऐसे 5 पते हैं जिन पर खुद संयुक्त राष्ट्र मोहर लगा चुका है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया के सामने सफेद झूठ बोलता रहा है कि दाऊद पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम के 9 पते दिए थे, जिनमें 6 ऐसे पते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र भी मान चुका है कि ये दाऊद के पते हैं। ये सभी वो पते हैं जहां पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की फौज और ISI कड़ी सुरक्षा देती है। इनमें पहला पता कराची के क्लिफ्टन का है, मोइन पैलेस अब्दुल्ला शाह दरगाह के पास। दूसरा पता है 17 CP बाजार सोसाइटी का, जो कराची के आमिर खान रोड पर ब्लॉक नंबर 7 और 8 है। तीसरा पता कराची के डिफेंस हाउस एरिया के एक्सटेंशन के फेस 5 की 30वीं गली का है। चौथा पता कराची के नूरियाबाद में बंगले का है, और पांचवा पता इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर दूर भगवान हिल पर बना ISI का सेफ हाउस है। सौ बात की एक बात है कि न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि दाऊद इब्राहिम को लेकर पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोल रहा है। ऐसे में इस मुद्दे को दुनिया के सामने उठाने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब हो सके। केन्या के किसुमू में कुछ पुलिस वाले एक व्यक्ति को पीटने लगे, क्योंकि ये व्यक्ति केन्या में हुए राष्ट्रपति चुनाव का विरोध कर रहे लोगों में शामिल था। इससे पहले विपक्ष ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो कई जगह पर हिंसक भी हो गए, और ऐसे ही एक विरोध में हिंसा कर रहे इस व्यक्ति को पुलिस ने सड़क पर ही पीटना शुरू कर दिया। ये व्यक्ति उन लोगों में एक था जो विपक्ष के नेता रायला ओडिंगा के समर्थन में हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के दौरान जगह जगह आगजनी भी हुई। केन्या की राजधानी नैरोबी में भी हिंसक प्रदर्शन हुए। विरोध को काबू करने के लिए बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी लगाए गए, जिन्होंने भीड़ को भगाने के लिए कई जगहों पर आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। मंगलवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे रायला ओडिंगा ने चुनाव के नतीजे में छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इस चुनाव में राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा को 55% वोट मिले, जबकि आरोप है कि उन्होंने जीतने के लिए हैकरों की मदद ली।
विपक्ष के आरोप के बाद भड़की हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने चुनाव के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने धोखाधड़ी के आरोपों की जांच का भरोसा दिलाया। इससे पहले 2013 में भी राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा पर फर्जी तरीके से जीत हासिल करने का आरोप लगा था, जिसकी जांच में केन्याटा दोषी नहीं पाए गए। सौबात की एक बात यह कि अगर राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे में छेड़छाड़ की गई है तो इसकी जांच में सभी पक्षों को सहयोग करना चाहिए। विपक्ष के समर्थन के नाम पर लोगों का हिंसा पर उतर आना कतई वाजिब नहीं। यूपी के अमेठी में अकबरगंज रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन के पास अचानक बम निरोधक दस्ते की हलचल बढ़ गई, क्योंकि वहां खड़ी अकाल तख्त एक्सप्रेस में एक बम रखा गया था जिसे बम निरोधक दस्ते ने नाकाम कर दिया। लेकिन जैसे ही बम की खबर मिली तुरंत बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और अपने काम में जुट गया। फिर ट्रेन की हर एक बोगी की जांच की गई और पता चला कि ट्रेन के एसी कोच B3 के बाथरूम में एक संदिग्ध चीज रखी है। देखने में ये एक डिब्बे जैसा था और पॉलिथीन बैग के अंदर बंद था। जांच करने पर पता चला कि एक छोटा बम है जो ट्रेन में मामूली नुकसान पहुंचा सकता था। पूरी गाड़ी को बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा चेक किया गया। इस बम के बारे में ट्रेन के एक यात्री को उस वक्त पता चला जब आधी रात को वो बाथरूम गए। इसके बाद ट्रेन को तुरंत खाली कराया गया और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही बम को नाकाम कर दिया। लेकिन इतने से ही जांच एजेंसियों की मुश्किल खत्म नहीं हुई, क्योंकि ट्रेन में बम के साथ एक चिट्ठी भी रखी थी और इस चिट्ठी में कुछ दिन पहले पुलवामा में मारे गए लश्कर आतंकी दुजाना का जिक्र था। चिट्ठी में लिखा था कि दुजाना की शहादत का बदला अब हिंदुस्तान को चुकाना पड़ेगा। यानी आशंका जताई जा रही है कि इस घटना के पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ भी हो सकता है। लेकिन पुलिस और रेलवे के अधिकारियों ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और करीब 6 घंटे बाद ट्रेन को वहां से लखनऊ के लिए रवाना किया गया। 7:33 पर हमने सुरक्षित रूप से गाड़ी को यहां से लखनऊ के लिए चला दिया गया। फिलहाल बम को नाकाम करने के बाद जांच के लिए कब्जे में लिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां हर पहलू से इस घटना की जांच में जुटी हैं। सौभाग्य की बात है कि ट्रेन में मिला बम भले ही छोटा था, लेकिन ये किसी बड़ी साजिश से पहले किया गया अभ्यास भी हो सकता है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय रेलवे पहले से ही आतंकियों के नापाक निशाने पर है। जर्मनी के एक रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी के नीचे से कुछ लोगों को बाहर आते देखकर पुलिस वाले हैरान रह गए, क्योंकि अफ्रीका से छुपकर आए ये लोग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन के नीचे छिपकर लटके हुए। लेकिन ट्रेन जब रोसनहैम स्टेशन पर रुकी तभी पुलिस वालों को पहिए के किनारे एक हाथ दिख गया। ठीक से देखने पर पता चला कि ट्रेन के कंटेनर और उसके नीचे के हिस्से के बीच की बहुत ही छोटी सी जगह में कुछ लोग छिपे थे। उन्हें निकलने को कहा गया तब लाल टी शर्ट पहने हुए एक शख्स बाहर निकला। उसकी हालत बहुत खराब थी, उसके पीछे एक महिला निकली। पुलिस वालों ने लाल स्वेटर वाले शख्स को सहारा दिया। तब तक कुछ और लोग कंटेनर और लोहे के ढांचे के बीच से निकलकर बाहर आ गए, जिनकी हालत बहुत खराब थी क्योंकि ट्रेन से लटक कर सफर करने के कारण उनका शरीर ठंडा पड़ गया। ये लोग बेहतर जिंदगी के लिए यूरोप में बसना चाहते थे और इसीलिए इन लोगों ने जान की परवाह किए बिना छिपकर जर्मनी में घुसने की कोशिश की। लेकिन तब उनका पता चल गया जब जर्मनी की पुलिस गर्मी पकड़ने वाले कैमरों की मदद से आसमान से ट्रेन की निगरानी कर रही थी। कैमरे पर ट्रेन में छुपे लोग चमकदार धब्बों की तरह दिखने लगे। पुलिस ने कुल 7 लोग और 5 बच्चों को ट्रेन के नीचे से निकाला। सबके शरीर पर टी शर्ट जैसे हल्के कपड़े ही थे, इसलिए उन्हें ओढ़ने के लिए चादर दी गई। लाल टी शर्ट वाला शख्स ठंड से अकड़ गया था, इसलिए उसे खास तरह का सुनहरा कंबल दिया गया ताकि उसकी जान बच सके। पुलिस ने बताया कि इस साल ऐसे करीब 120 लोगों को पकड़ा जा चुका है जो जर्मनी में बसने के इरादे से ट्रेन के नीचे छुपकर सफर कर रहे थे। सौभाग्य की एक बात यह कि अफ्रीकी देशों में गरीबी से जूझ रहे लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में अक्सर यूरोप में घुसने की कोशिश करते हैं और इसके लिए जान जोखिम में डालने से भी कई भी नहीं चूकते। कई लोग इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन इस कोशिश में कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं। सुषमा स्वराज ने काठमांडू में नेपाल के PM से मुलाकात की। अपने नेपाल दौरे में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने काठमांडू में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की। सुषमा स्वराज ने